वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं लाभवाणी का सेकंड पास्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, कह रहा है कि राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है। ठीक है, गाय का विक्रय मूल्य बतावें। फिर से, राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीद कर, ठीक है, कितना में खरीद रहा है? 4000 रुपया में खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 4000 रुपया। ठीक है, 4000 रुपया में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है, यानी कि हानि कितना हुआ इसका? हानि जो भी आ गया 20% आ गया। कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताए। सबसे पहले हम साधारण नियम सूत्र पर चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ट्रिक पे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हम जानते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 1 माइनस, यहाँ पे हानि है तो माइनस, उसमें लाभ था तो प्लस। ठीक है, यही ध्यान देना है। हानि बटा 100। क्या करना है इसको, जो भी सूत्र पे मांग रहा है उसको हम बैठा देंगे। जैसे यहाँ पे 4000 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य कितना हो गया? 4000। फिर क्या कर रहा है? 1 माइनस हानि कितना है? 20% और बटा 100। ठीक है, आगे 4000 गुने क्या करना है इसको हम काट देते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 5 10, यानी कि 5 बार में कट गया। यहाँ पे बच कितना गया हमारा? बच गया 1 माइनस 1/5, ये हमारा बच गया। अब क्या करना है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे हर एक मान लिया। क्यों हर एक मान लिया? क्योंकि हर सभी का एक दिया रहता है, छुपा रहता है। ठीक है, इसमें इसे भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हर मैंने एक मान लिया और इसको जो है वहां पे उतार दिया। अब क्या करना है? 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 5 और 1 का एलसीएम लघुतम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 में क्या करना है कि 1 जो हर दिया रहता है उससे क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। तो हर कितना है? 1 है। 1 में भाग देंगे 5 से कितना आ जाएगा? 5 आएगा। और 5 में ऊपर जो भी अंश है अंश से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या करना है? 5 में 5 से क्या करेंगे? वही भाग देंगे। यहाँ पे माइनस से माइनस कर दिया और 5 में 5 से भाग दिया, कितना आया? 1 आया। 1 में कितना से गुना करना है? 1 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इधर, चलिए इधर देखते हैं। 4000 गुने कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए माइनस में मैंने घटा दिया तो कितना हो जाएगा? 4/5 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको काटेगा तो काट देंगे, काटेगा 5 से कट जाएगा 8 5 40। 8 बार में गया और यहाँ पे बच गया 00। ठीक है, कितना आ गया? 800 हो गया। अब क्या करेंगे? 800 गुने कितना हो गया? 4। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 8 4 का 32, यानी कि 3200 रुपया जो भी इसका गया, क्या आया? विक्रय मूल्य 3200 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य बराबर 3200 रुपया आंसर हो गया। अब चलते इसको ट्रिक पे कैसे करना है, ट्रिक क्या कहता है। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है। ₹1 की वस्तु को y प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा
जाता है। एक रुपये की वस्तु को y प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, फिर से करें, एक रुपये की वस्तु को y प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, एक रुपये की वस्तु को y प्रतिशत, ठीक है, एक रुपये की वस्तु को y प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, x गुण 100 प्लस माइनस y बटा 100, क्यों प्लस माइनस यहाँ पे क्यों दिया गया, क्योंकि लाभ रहेगा तो प्लस और हानि रहेगा तो माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 4000 रुपये में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है, हानि यहाँ पे बोल रहा है, क्या करेंगे, कितना रुपया 4000, तो x हो गया, जो भी हो गया x हो गया, ये क्या हो गया, खरीद रहा है उसको बोल रहा है, गुने 100 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे ध्यान देना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हानि बोल रहा है माइनस होगा, हानि बोल रहा है माइनस हो जाएगा, कितने प्रतिशत हानि बोल रहा है, y प्रतिशत कर रहा है ना, y प्रतिशत लाभ या हानि पे, तो हानि कितना हो रहा है 20%, 20% बट्टा क्या करना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, अब कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच गया हमारा 40 गुने 100 में से 20 जाएगा 80, क्या करेंगे इसको, इसको गुना कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 8 चौका 32 पे 00 हो जाएगा, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। छह सौ रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर किसी वस्तु को छह सौ रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की लाभ होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बतावे, ठीक है, कह रहा है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की लाभ होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बतावे। सबसे पहले हम चलते हैं साधारण नियम से, जर्नल नियम जो भी इसका है उस पर चलेंगे। जर्नल नियम क्या है, कह रहा है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की लाभ होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बतावे। बेच रहा है, बेचने वाले को क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपया, और लाभ कितना हो रहा है, लाभ बराबर है 20%,
₹600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताए क्या करेंगे सर विक्रय क्रय मूल्य बताए क्रय मूल्य बराबर तो ठीक है क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा 1 + लाभ / 100 ठीक है ये सूत्र है सूत्र पे बैठाएंगे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है ₹600 आ गया 1 + लाभ माइनस हानि रहता तो माइनस और लाभ है तो प्लस तो 1 + लाभ कितना है 20% / 100 ये हो गया अब क्या करेंगे इसको या ₹600 ठीक है इसको काट देंगे कितना बार में कट जाएगा 5 बार में कट गया यानी कितना आ गया नीचे 1 + 1/5 ये आ गया इसका अब क्या करेंगे इसको ₹600 इसको एलसीएम उसी तरह से निकालेंगे जैसे पहले मैंने निकाला था नीचे हर 1 मानेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 5 + 1 ये आ गया अब क्या करेंगे या 600 × 6 / 5 अब क्या करेंगे यहाँ पे 600 इसको नीचे कुछ नहीं हर एक मैंने मान लिया ठीक है इसको भाग है भाग से गुना में पलट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा 6 ये कट गया कितना बार में एक बार में चल जाएगा 00 100 बार में कट गया यानी कि 100 × 5 ठीक है 100 × 5 कितना आ गया ₹500 इसका क्या गया क्रय मूल्य कितना गया ₹500 अब चलते हैं ट्रिक पे क्या करें एक रुपया में किसी वस्तु ₹1 में किसी वस्तु को बेचने पर y प्रतिशत की लाभ होता है ठीक है करें यदि ₹1 में किसी वस्तु को बेचने पर y% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा ₹1 × 100 / 100 ± y क्यों क्योंकि लाभ या हानि होती है लिख देते हैं ठीक है लाभ या हानि लाभ या हानि होती है तो ₹1 × 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई अब क्या करेंगे x कितना है ₹600 यहाँ पे ₹600 हो गया गुने 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ±100 का रहा 100 प्लस कब होगा जब लाभ का रहा तो लाभ कितना हो गया 20 अब काट देंगे चलिए कितना आ जाएगा 600 × 100 / कितना हो जाएगा 120 क्या करेंगे इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 कट गया 1 0 से 1 0 कट गया और ये कट जाएगा 12 × 5 = 60 5 बार में चल गया 5 बार में चल गया यहाँ पे हो गया 500 कितना आ जाएगा 500 जो भी इसका यहाँ क्रय मूल्य आ गया ये क्रय मूल्य क्या आ गया आंसर आ गया अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे